सरकारी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। सरकारी स्कूलों में पानी भरा है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। बारिश के बाद लगातार जहां एक तरफ सड़कें और गलियां जलमग्न हैं, तो सरकारी स्कूलों की हालत भी बद से बदतर हो चुकी है। फरकाबाद में तालाब में तब्दील हो गया है सरकारी स्कूल। मामूली बारिश के बाद स्कूल में पानी भरा और गंदे पानी से निकलकर स्कूल जाने को बच्चे मजबूर हैं। तमाम दावे जो किए गए थे जल निकासी के, वो पूरी तरह से हवा हवाई। सरकारी अमला पूरी तरह से अपने दावों पर विफल साबित हुआ है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं, ग्राम प्रधान की भी इसमें लापरवाही सामने आई है। नाला नाली सफाई के लिए बजट जारी किया गया था, तमाम दावे किए गए थे कि बारिश से पहले ही नाला और नाली की सफाई हो जाएगी, लेकिन सब कुछ हवा हवाई बातें सिर्फ कागजों पर हुआ। और यही वजह है कि आज फरकाबाद में सरकारी स्कूल भी तालाब में तब्दील हो चुके हैं। कंपोजिट विद्यालय जहानगंज का यह पूरा मामला, जहां पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। जरा सी बारिश के बाद स्कूल तालाब में तब्दील हो गया और ऐसे में बच्चे जान जोखिम में डालकर, जाहिर सी बात है जब गंदा पानी वहां पर भरा हुआ है, बच्चे निकल रहे हैं, बीमारियों का तमाम खतरा मंडरा रहा है, लेकिन ऐसे में जो जिम्मेदार है वो आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। लापरवाही बड़ी साफ तौर पर सामने आई है। फरकाबाद से इस वक्त हम आपको खबर बता रहे हैं, कंपोजिट विद्यालय जहानगंज का यह पूरा मामला, जहां पर नाला नाली सफाई ना होने के चलते, बारिश के चलते स्कूल तालाब में तब्दील हो गया है। तो मामूली बारिश के बाद सड़क और गलियों की बात छोड़ दीजिए, सरकारी स्कूल जहां पर नौनिहालों को तालीम दी जाती है, लगातार दावे किए जाते हैं शिक्षा को बेहतर करने के और स्कूल की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के, लेकिन साफ तौर पर ग्राम प्रधान की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामूली बारिश के बाद स्कूल तालाब में तब्दील हो गया है। ऐसे में जो बच्चे वहां पहुंच रहे हैं, मजबूरन गंदे पानी से लांघते हुए, गंदे पानी से होकर वो स्कूल पहुंच रहे हैं, ऐसे में तमाम बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। रॉबिन कपूर संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रॉबिन, बड़ी लापरवाही, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, तमाम दावे किए गए थे सब हवा हवाई, जमीनी हकीकत एबीसी न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर। ये बिल्कुल बता दूंगी, जिस तरीके से सरकार के दावे किए जा रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान को लेके और विकास कार्यों को लेके, लेकिन जो जो दावे हैं वो जो है सच्चाई से काफी अलग हैं। सारे मामले जो है देखा जाए तो जो विकास कार्य है वो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। आप गांव की स्थिति देख सकते हैं कि एक गांव प्रधान के द्वारा कई बार कहने पर, विभाग के द्वारा कहने पर भी जो है वहां पे जो है मार्ग नहीं बनवाया जा रहा, पानी का निकास नहीं है, जिस तरीके से गांव पानी जो है वहां का गांव का जो है वो स्कूल में भर रहा है, सड़कों में भर रहा है, बच्चों को स्कूल पहुंचने में दिक्कत है और क्लास के अंदर स्कूल के अंदर पानी भर जाने से जो है वहां पे बच्चों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, पढ़ाई में समस्याएं आ रही है वहां पे। रॉबिन, सरकारी दफ्तरों में बैठे, एसी कमरों में बैठे जिम्मेदारों को ये तस्वीरें नहीं दिखाई पड़ रही हैं? अरे आप स्कूल बंद कर दीजिए, बच्चों की छुट्टी कर दीजिए जब आप वहां व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे गंदे पानी में बच्चों को होकर गुजरना पड़ रहा है स्कूल पहुंचने के लिए और ऐसे में तमाम बीमारियां मंडरा रही हैं, ये तस्वीरें नहीं दिखाई देती जिम्मेदारों को? जिम्मेदारों से पूरे मामले से जिम्मेदारों पे बात हुई है, जिम्मेदारों का कहना यह है कि हम जो है मामले पर बात कर रहे हैं और सिर्फ जो है कार्रवाई के नाम पे जो खाना पूर्ति की जा रही है, अधिकारी हमें उसे पल्ला झाड़ते नजर आ रहा है पूरे मामले पर। चलिए बहुत शुक्रिया रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि फरकाबाद में सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। आलम यह है कि अब सरकारी स्कूलों में भी लगातार पानी भरा हुआ है और बच्चे गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं, लेकिन सब के सब आंख मूंदे बैठे हुए। ग्राम प्रधान की बड़ी लापरवाही, पहले दावे किए जा रहे थे नाला नाली की जो सफाई है वो बरसात से ठीक पहले पूरी कर ली जाएगी और ऐसे में कोई भी अव्यवस्था नहीं होगी, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है एबीसी न्यूज़।